हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो, सो दैट जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो नाम से ही पता चलता है क्रोमोसोमल थ्योरी, दैट मींस दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम, बराबर। और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जब भी ट्रांसमिशन होगा उसके लिए क्रोमोसोम कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे। सो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दिया दो साइंटिस्ट ने, दैट थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय टू साइंटिस्ट। कौन से दो साइंटिस्ट थे? देखो, देयर इज अ साइंटिस्ट दैट इज अमेरिकन साइंटिस्ट वॉल्टर सटन, ओके, और एक है फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज थियोडोर बोवेरी। तो ये दोनों ने मिला के एक थ्योरी दिया जिसको टुगेदर कंक्लूड किया गया एज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वॉल्टर सटन ने काम किया ग्रास ऑफर पे। तो जब भी वो काम कर रहे थे ग्रास ऑफर पे तो उनको पता चला कि क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। जब भी मियोसिस होगा तभी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। और ये थियोडोर बोवेरी है, ही वॉज वर्किंग ऑन सी अर्चिन, उन्होंने काम किया सी अर्चिन के ऊपर, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होना है तो ये क्रोमोसोम का पेयर होना जरूरी है। तो ये दोनों का मिला के एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड हुआ और उसको नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो देखो क्या स्टेटमेंट है, वॉल्टर सटन अलोंग विद थियोडोर बोवेरी दे स्टडीड पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर। तो दोनों ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ही स्टडी किया, ओके। तो ये बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर एंड क्रोमोसोम उन्होंने एक साथ स्टडी किया, तो दोनों का जो वर्क का जो ड्यूरेशन था या फिर जो टाइम था वो सिमिलर टाइम ही दोनों ने एक साथ काम किया था। सटन ने काम किया ग्रास ऊपर के ऊपर और बोवेरी ने काम किया सी अर्चिन के ऊपर। तो दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, दोनों के ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया गया और एक नया थ्योरी फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो कैरी करने का काम कौन कर रहा है? क्रोमोसोम कर रहा है, ओके। ये कौन कर रहा है? क्रोमोसोम कर रहा है। तो ये था इंट्रोडक्शन क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो कुछ डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं सो दैट आपको क्रोमोसोम का थोड़ा बैकग्राउंड थ्योरी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम लोगों ने ये पहला डायग्राम देखा, ये पहले डायग्राम में आपको यहां पे दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, दैट इज इन G1 फेज। G1 इज गैप वन फेज। आप लोगों ने सेल साइकिल किया रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे है G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो M फेज रिफर टू माइटोसिस और मियोसिस। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा G1 फेज में चार क्रोमोसोम है, लेकिन एंड ऑफ द मियोसिस जहां पे आपको गैमेट्स मिलेंगे बिकॉज मियोसिस का प्रोडक्ट्स आर गैमेट्स, तो गैमेट्स में हर एक गैमेट्स में आपको यहाँ पे दिखेंगे दो दो क्रोमोसोम। ये डायग्राम को अगर हम लोग रिफर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये क्रोमोसोम आपको दिखाए गए हैं अलग अलग कलर से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड, ऐसे चार कलर दिखाए गए हैं डिफरेंट क्रोमोसोम के लिए। तो अगर हम लोगों ने देखा पॉसिबिलिटीज वन में, ये पॉसिबिलिटी वन क्या बोलता है, ऑरेंज एंड ग्रीन क्रोमोसोम एक पोल पे जा रहे हैं एंड येलो एंड रेड क्रोमोसोम अलग पोल पे जा रहे हैं। तो ऑरेंज एंड ग्रीन दे आर गोइंग टू सेग्रीगेट टूगेदर, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक साथ सेग्रीगेट हो रहे। सिमिलरली यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज टू में क्या है, ये ऑरेंज है,
ये रेड के साथ जा रहा है, मतलब जब भी ऑरेंज एंड रेड है ये एक पोल पे जाएंगे एंड येलो एंड ग्रीन ये दूसरे पोल पे जाएंगे। तो आप आपने अगर पॉसिबिलिटीज देखा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में, तो पॉसिबिलिटीज वन में ऑरेंज एंड ग्रीन कलर क्रोमोजोम आर टुगेदर एंड येलो एंड रेड कलर क्रोमोजोम आर टुगेदर इन पॉसिबिलिटीज वन। लेकिन पॉसिबिलिटीज टू अगर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ऑरेंज एंड रेड एक साथ है एंड येलो एंड ग्रीन एक साथ है, तो इससे पता चलता है क्या कि क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन है, ये दूसरे पैर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे अलील सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, वैसे क्रोमोजोम भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो पहला क्या है स्टेटमेंट देखो थेरी का, क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल। तो आपको दिख रहा है ये है डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल मतलब जहां पे टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिए है चार क्रोमोजोम। तो ऑब्वियसली ये एस फेज में जाएगा, एस फेज में रेप्लीकेशन होगा, एस फेज के बाद में इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द एम फेज, माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है मतलब ये क्या है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ गैमेट। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे बराबर। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम पहले यहाँ पे पेयर करेंगे, ये होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर करने के बाद दे आर गोइंग टू सेग्रीगेट, दे आर गोइंग टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब एक एक क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिल सकता है। तो मियोसिस के बाद में क्या होगा, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन के बाद जितने भी गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ये मियोसिस हैप्लॉइड, इमीडिएटली आपको देखो मियोसिस वन के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, नॉट आइडेंटिकल टू द पैरेंट सेल नॉर टू ईच अदर। तो ये पैरेंट सेल से आइडेंटिकल नहीं है। और जब भी सेकेंड मियोसिस होगा तो आपको जितने भी सेल्स मिलेंगे चार सेल मिलेंगे और ऑल विल बी हैप्लॉइड एंड ईच विल हैव टू क्रोमोजोम। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चार क्रोमोजोम से, तो डिप्लॉइड सेल में चार चार क्रोमोजोम है। लेकिन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो ये गैमेट सेल जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोजोम है, यहाँ पे दो दो क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शनल डिविजन। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एट मियोसिस। तो जब भी मियोसिस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम पहले पेयर करेंगे, उसके बाद में सेग्रीगेट और सेपरेट होंगे एंड असॉर्ट होंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब उनका सेग्रीगेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। दस आपको क्या मिलेंगे, ये गैमेट्स मिलेंगे। तो ये गैमेट के अंदर ओनली दस ईच गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर, तो ये दो में से एक ही क्रोमोजोम एक गैमेट में जाएगा। तो चार क्रोमोजोम है तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर है, तो हर एक पेयर में से एक क्रोमोजोम एक गैमेट में जा रहा है, दूसरे पेयर में से एक क्रोमोजोम एक गैमेट में जा रहा है, तो हर एक पेयर में से एक क्रोमोजोम हर एक गैमेट में जाएगा। तो ये गैमेट का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे, यहाँ पे दो क्रोमोजोम होंगे। तो न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट कंटेन क्रोमोजोम, और ये क्रोमोजोम के ऊपर क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो जाएगी। तो अगर हम लोगों ने ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल देखा, तो ह्यूमन बींग में क्या है, वी हैव टोटल 46 क्रोमोजोम, मतलब 23 पेयर इन सोमैटिक सेल। तो जब भी यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस में क्या मिलेंगे आपको, 23 क्रोमोजोम। तो स्पर्म एंड एग में 23 23 क्रोमोजोम मिलेंगे, विच इज हाफ ऑफ द डिप्लॉइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स। तो मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर मतलब एग के न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोजोम, स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोजोम, और ये 23 क्रोमोजोम के ऊपर क्या होगा, हेरिडिटरी ट्रेट। ये क्या कैरी कर रहे हैं, हेरिडिटरी ट्रेट। ट्रेट मतलब क्या है, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। तो ये कैरेक्टर के कैरियर कौन है, ये है गैमेट्स। सो दे आर द लिंक, किसके बीच में लिंक है, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग।
ये पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में ये क्या हो जाएंगे, कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन देर विल बी यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग, तो ये दोनों का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, फिर से ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46। तो जायगॉट में जो नंबर रहेगा दैट इज अ 46, विच इज वेरी मच सिमिलर और विच इज इक्विवेलेंट टू पेरेंट्स क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर और जायगॉट का क्रोमोसोम नंबर, दोनों भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों का यूनियन होगा, स्पर्म एंड ओवम का, और यूनियन के बाद में ये डिप्लॉयड नंबर क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। तो ये था अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो पास स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल, दूसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन दिस क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। सो हर एक गैमेट के अंदर क्या है, ओनली वन ऑफ अ पेयर, मतलब हर एक गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा वो पेयर में से एक रहेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है, हेरिडिटरी ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट के अंदर दोनों भी क्या कैरी कर रहे हैं, ये हेरिडिटरी ट्रेट, और ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। एंड लास्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ओरिजिनल नंबर इज रिस्टोर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जितने सिंप्लीफाइड वे से आपको ये क्रोमोसोम थ्योरी समझ सकता है, उतने सिंप्लीफाइड वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे डायग्राम यूज किया है, सो दैट यू नो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये थ्योरी अगर आपको एग्जाम में पूछा तो आपको ये पास स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन के बारे में जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया रहेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, और उनको भी ये चैनल रिकमेंड करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।